हमारे साथ मारवाड़ी युवा मंच से अध्यक्ष उषा चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत पावन दिन है आज, अक्षय तृतीया के साथ ईद का भी मौका है और आज ये यहाँ पर जो साक्षी गोल चक्कर है, आई हॉस्पिटल आप पीछे है, आई हॉस्पिटल के पास ये आज जो पानी का सेवा कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनका कहना है। पानी के साथ साथ हमने छाछ भी वितरण किया है और अभी और भी हमारा छाछ है। आज करीब करीब नहीं करते 500 गैलन हम लोगों ने ये पानी का वितरण करेंगे और ये सामने में देख रहे हैं ये चलंत अमृत धारा है। इसका भी हमने पिछले 15 दिन से ये इसका अनावरण किया था, ओपनिंग किया था, ये भी चल रहा है साथ साथ। और छाछ, फ्रूटी और पानी, ये तीनों का हमने, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से और आज सारे जो ईद के वाले लोग जो हैं अक्षय तृतीया में सब घूमते फिरते हैं, उनके मतलब कि उनको ज़रूरत को देखते हुए प्यासा जो है पानी उनके पास जाएगा, लिक्विड फॉर्म जो है उनके पास जाएगा, इस उद्देश्य से हमने ये वाला कार्य किया है। और ये हमारी शाखा का अब तक का, आज इतने साल हो गए शाखा ने, ये पहले बार है जो पूरे दिन का कैंप लगाया है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और इस तरीके का काम आप हमेशा लगाते रहते हैं उसके बारे में? हाँ हाँ, एकदम एकदम हम लोग लगाते रहते हैं, करते रहते हैं समय समय पर। अभी तो हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जो ये जो महिला दिवस जो उपलक्ष्य चल रहा है, ये हम 8 दिन में हम 9 कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इसमें। कल भी हम लोगों चेसायर होम गए थे, वहाँ भी कूलर दे करके आए हैं हम लोगों, और कल भी हमारा कार्यक्रम है वृद्ध आश्रम में, परसों फिर है हम लोग जो अमृत धारा का ओपनिंग कर रहे हैं साक्षी आम बगान स्कूल में हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से हमारे कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं निरंतर, तो सामाजिक कार्य हमेशा चलते रहते। जी जी जी, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो मारवाड़ी युवा मंच है वो लोगों के बीच जा रहा है और जो छाछ है, पानी है, उन सब की सेवाएं। और पीछे जो आप एक बार दिखा दीजिएगा जो वाटर ऑन व्हील्स है, ये काफ़ी दिनों से इनकी जो सेवा है, पिछले 10-15 दिनों से जब रामनवमी विसर्जन हो रहा था उस समय से ये शुरू हुआ था और उसके बाद से निरंतर लोगों के बीच जाके जो ठंडा जल है वो लोगों को दिया जा रहा है। तो बहुत ही एक पावन जो काम है ये कर रहे हैं और इनको सोशल संवाद की तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। धन्यवाद।